ठीक है, आज हम इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इलास्टिसिटी का जो मेन रूट कॉज होता है वो होता है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस पर्टिकुलर मेटल, नॉन मेटल या किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी। अब जैसे हम बिल्डिंग की भी इलास्टिसिटी देखते हैं, जब हम लेट सपोज हम कोई 500 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जब 500 मीटर ऊंची बिल्डिंग होती है तो बहुत तेज हवा चलती है, बिल्डिंग झुकती है, तो इस सब बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो इलास्टिसिटी किसी भी की भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इलास्टिसिटी में एटम्स, इलास्टिसिटी का जो मेन रूट कॉज होता है वो होता है एटम्स, और एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उनका फोर्स आपस में कैसे एक्ट कर रहा है, उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से है। ठीक है, तो अगर हम किसी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएं बिटवीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो हम देखेंगे कि जब डिस्टेंस काफ़ी दूर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, फिर एक जब हम पास लाते जाएंगे एटम को तो एक पॉइंट आएगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, वो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो होगा उनके बीच में आर नॉट होगा। हम उसे थोड़ा सा और कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी, उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब रिपल्सर, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम माइनस यू नॉट। नॉर्मली फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को विद रेस्पेक्ट। ओके, अब हम आते हैं इलास्टिसिटी के जो मेन कंसेप्ट है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन से स्टार्ट होता है। स्ट्रेस क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को फोर्स लगाएंगे डिवाइडेड बाई एरिया तो हम स्ट्रेस बोल देते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इसे थोड़ा सा और ज्यादा डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज ये कोई मेटल है, मेटल रॉड है कुछ, उसमें से हम इस तरह से एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, परपेंडिकुलर नहीं, इस तरह से कैसा भी ले सकते हैं, हम ऐसा ले रहे हैं। अब यहां से हम फोर्स एफ से इसे पुल कर रहे थे, अब इसका हम क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, ये एफ है तो ये एक एंगल है बना रहे हैं, एंगल है तो इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट आएगा फोर्स का जिसको हम एफ एन कह रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा या इस हॉरिजॉन्टल सेंस इस एरिया के टेंजेंट जिसको हम एफ टी कह रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालने की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू एफ एन अपॉन एरिया, एफ एन अपॉन ये इसका एरिया। अगर ये एरिया ऐसे होता है तो सीधा एफ आई ए ही हो जाता है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को ही हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, फिर ये वाला फोर्स एफ टी, एफ टी अपॉन एरिया, ये एरिया लेंगे तो उसे हम एफ टी अपॉन एरिया करेंगे, उसे कहते हैं सीयर स्ट्रेस, इसी को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो तरह की होती है, एक स्ट्रेस होती है जब हम उसको वायर को ऐसे खींचते हैं, एक स्ट्रेस होती है जब वायर को पुल करते हैं आपस में। तो इसको हम जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, जब हम उसे एक्सटेंड करते हैं तो हम उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रेस होता है ऐसे ही यहाँ पर स्ट्रेन भी, स्ट्रेन तीन तरह का होता है, जो फर्स्ट होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं हम उसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब जब इलोंगेशन अलोंग द लेंथ होता है, डेल्टा एल बाई एल बोल देते हैं। अभी हम सीयर स्ट्रेन पर बाद में आते हैं, और उसके बाद होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन, उसको हम डेल्टा वी बाई वी बोल देते हैं, जब एक एरिया में एक वॉल्यूम में होता है स्ट्रेन तो हम उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, डेल्टा वी बाई वी। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जैसे हम किसी चीज को फ्लूइड में डुबोते तो उसके चारों तरफ से फोर्स प्रेशर लगता है तो उसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, जब चारों तरफ से किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगेगा। सीयर स्ट्रेन क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफॉर्मेशन आता है, जैसे कोई ब्रेक रखी है, ये कोई स्क्वायर ब्रेक है ऐसे करके, अब हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे हम कई बार ऐसे फोर्स नहीं लगाते, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो वो थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है, कई बार एरिया डिफॉर्म हो जाता है हल्का सा, तो जो डिफॉर्मेशन होता है उसे एक्स, और जो उसकी हाइट होती है एच, ये एच हाइट है तो ये थोड़ा सा डिफॉर्म होकर ऐसे हो गया है, तो सी एस स्ट्रेन को कहते हैं हम एक्स बाई एच, हम ऐसे ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ठीक है, इलास्टिसिटी के तीन मेन कंसेप्ट होते हैं, पहला एक इंटर एटोमिक लेवल होता है जिसको जिस पर बेस ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है, दूसरा स्ट्रेस होता है और तीसरा स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब हम हुक्स लॉ पढ़ते हैं, जैसे कोई मेटल रॉड है और हम उसे ऐसे फोर्स एफ लगा रहे हैं, ऐसे पुल करेंगे एफ फोर्स से,
तो उसमें कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा। तो जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस को हम वाई बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेन क्या होगा, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू वाई, ओके। एफ इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एल टू डेल्टा एल। अब हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन जैसा हम स्प्रिंग के केस में आता है, एफ इजिकल टू के इंटू डेल्टा एक्स बोलते हैं। तो के जो कई उस इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर क्या आ जाएगा, के इजिकल टू ए वाई बाई एल, ओके। और इसमें जो के होता है ए वाई बाई एल, उसे ही हम स्टिफनेस बोलते हैं या कुछ फोर्स कॉन्स्टेंट भी बोल देते हैं। और जो फ्लेक्सीबिलिटी होती है वो होती है वन बाई के, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस। और फिर हम अगर हम इसे स्प्रिंग वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो के इज इक्वल टू ए वाई बाई एल आता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है वन बाई के, स्टिफनेस या फोर्स कांस्टेंट को हम कहते हैं के, के इक्वल टू ए वाई बाई एल, ओके। अब हम रॉड को ऐसे पुल तो किया तो उसमें कुछ एनर्जी डेवलप होती है, तो उससे हम रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स, उससे हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नहीं तो इसे हम जो स्प्रिंग के केस में होता है, स्प्रिंग के केस में एनर्जी जो होती है स्प्रिंग में क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, यहाँ पर वो डेल्टा एल है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू क्या है ए वाई बाई एल, डेल्टा एल की वैल्यू इससे पुट करेंगे एफ एल अपॉन ए वाई का होल स्क्वायर, ओके। इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक एक्सप्रेशन तो ये आएगा हाफ एफ स्क्वायर अपॉन के। इसको याद रखना चाहिए, क्यों याद रखना चाहिए, कई बार किसी स्ट्रिक क्वेश्चन आता है कि कोई रॉड है उसे एफ फोर्स से पुल कर रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी अभी लेट सपोज 100 जूल है तो उसे 2F कर देंगे तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, तो डायरेक्ट इससे हो जाएगा क्योंकि के इक्वल टू ए वाई बाई एल की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ओके। दूसरा इसको रीअरेंज करेंगे तो दूसरा एक्सप्रेशन आएगा एफ इंटू डेल्टा एल हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, ये भी याद रखना है। इसी को जब हम फिर से रीअरेंज करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के दो तीन एक्सप्रेशन होते हैं स्प्रिंग के केस में, हाफ के इंटू डेल्टा एल स्क्वायर जो कि बिल्कुल बेसिक है, दूसरा हाफ इंटू एफ स्क्वायर अपॉन के, तीसरा हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, चौथा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ओके। ऐसे ही मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है, जो सीयर स्ट्रेस सीयर स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, सीयर मॉड्यूलस भी कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को, उसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीटा क्या होगा इस केस में, एफ अपॉन ए अपॉन एक्स बाई एच, ओके। फिर एक होता है बल्क मॉड्यूलस, ये एरिया के केस में पढ़ा था हमने, ये लेंथ के केस में यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम के केस में, बल्क मॉड्यूलस बी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। माइनस क्यों आता है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि डेल्टा भी जब प्रेशर लगता है तो वॉल्यूम कम होता है, ओके। कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल टू वन बाई बी, कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल टू वन बाई बी। और यंग्स मॉड्यूलस के केस में क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू वन बाई के। एक और टर्म होती है इसमें पॉइजन रेशियो, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा पॉजिटिव होता है हमेशा। सिग्मा में क्या होगा, जब हम रॉड को ऐसे पुल करते हैं तो उसमें डेल्टा एल इलोंगेशन आता है और उसका जो रेडियस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, उसका डायमीटर होता है वो थोड़ा सिंक होता है, तो उसी का रेशियो डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल को हम पॉइजन रेशियो कहते हैं, और पॉइजन रेशियो पॉजिटिव ही होता है, ओके। ये इलास्टिसिटी की कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। एक रॉड है जिसका एल ए वाई गिवन है, मास वेटलेस है, ओके। इसको हम फोर्स एफ से पुल कर रहे हैं तो इसमें 100 जूल एनर्जी है। अगर हम इसे 2F फोर्स से पुल करेंगे तो कितनी एनर्जी आएगी, तो हमने जो पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था उसमें एक फॉर्मूला था एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, मतलब टोटल फोर्स अप्लाई। अगर 2F हो जाएगा तो एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, 4F हो जाएगी, 400 जूल, ओके। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और फिर से मास एम कनेक्टेड है जिसका ए वाई एल कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन है, फिर यहाँ पर एक मास एम कनेक्टेड है।
स्प्रिंग का और रॉड का मास जीरो है, मासलेस है, तो इसमें टाइम पीरियड निकालना है। स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k। तो यहाँ पर हम इफेक्टिव k की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/k′=1/k+1/ay/l। ओके ठीक है, तो k डैश की वैल्यू आ जाएगी, फिर टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर k डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये एक तीसरी प्रॉब्लम है। इसमें रॉड है जो लटका रखी है, रॉड का वेट गिवन है m, और किसी केस में यहाँ पर नहीं गिवन था, उसके नीचे एक और मास में लटका रखा है। तो जब हम ये निकालते हैं रॉड, अगर ये मासलेस होती रॉड तब तो सिंपल था, मासलेस होती फिर तो अपने आप कोई एक्सटेंशन होता ही नहीं है, लेकिन अगर मास है रॉड में तो इसका इसमें डेल्टा l कितना आता है, mg/2ay/l, ये याद रखना है, फॉर्मूला होता है टेरे, और इस मास की वजह से एक्सटेंशन क्या आता है, mg/ay/l, मतलब इसकी वजह से जो एक्सटेंशन होता है वो नॉर्मल इसकी वजह से डबल होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये हम डिराइव भी कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या आएगा, 1/2 आ जाता है, इसकी वजह से 1/2 वर्ड नहीं आता, mg/2ay/l, और इसकी वजह से mg/ay/l, तो टोटल इलोंगेशन क्या होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ओके okay.